दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया क्रियाकलाप, जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ स्वतंत्रता की ओर से। और इस क्रियाकलाप तक पहुंचने के लिए आपको खोलनी है अपनी यही वाली पुस्तक और निकालनी है पृष्ठ संख्या 75, यानी कि 75। सो देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना। है आगे की कहानी। तो कहानी कहाँ पे अंत हुई थी? गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। तो धनी अड़ा हुआ था गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाने के लिए, दांडी मार्च पर जाने के लिए। पर गांधी जी ये बात जानते थे कि वह बहुत अभी छोटा है और अभी उसे ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वह कहीं भी थक सकता है, बीमार पड़ सकता है या उसे चोट लग सकती है। तो इसीलिए उन्होंने धनी को मना कर दिया। लेकिन वह उसे इस तरीके से मना नहीं करना चाहते थे, तो गांधी जी ने उसे एक काम सौंपा कि वह आश्रम में ही रहकर बिन्नी की देखभाल करे, ताकि जब गांधी जी वापस आए तो ढेर सारा दूध पीकर वह तंदुरुस्त हो जाए वापस से। तो अब हमें क्या करना है, यह तो ये देखते हैं मैंने क्या लिखी है आगे की कहानी। तो यह रही मेरी आगे की कहानी, तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। जब गांधी जी डांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। जी हाँ, भव्य स्वागत तो होना ही चाहिए, क्योंकि वह जो कर रहे थे वह कर भी तो हम देशवासियों के लिए ही रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमसे नमक पर कर लिया करती थी और यही इसी चीज के खिलाफ वह डांडी यात्रा कर रहे थे, अपना खुद का नमक बनाने के लिए। धनी ने उन्हें माला पहनाई होगी और बिन्नी का दूध उन्हें ला कर दिया होगा। तो धनी तो बड़े ही इंतजार में होगा, है ना, क्योंकि वह जाना चाहता था, अब जा नहीं पाया होगा तो कितने इंतजार में बैठा होगा। तो जैसे ही गांधी जी आए होंगे, धनी ने ही सबसे पहले उन्हें माला पहनाई होगी और सबसे पहले क्या हल किया होगा, बिन्नी का दूध लाकर उन्हें दिया होगा, क्योंकि यही काम तो सौंप कर गए थे ना गांधी जी धनी को, कि जब वह आएंगे तो वह ढेर सारा बिन्नी का दूध पियेंगे। गांधी जी हंसते हुए बोले होंगे, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमजोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। जी हाँ, गांधी जी ने यही कहा होगा धनी को कि अब वह वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊंगा, धनी ने खुश होकर कहा होगा। तो धनी ने क्या जवाब दिया होगा कि मैंने बिन्नी का इतना अच्छे से ख्याल रखा है कि अब वह सुबह शाम दूध देगी और वह दूध आप पियेंगे। सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े होंगे। जी हाँ, ये बच्चे और गांधी जी की वार्तालाप सुनकर हंसी तो जरूर आई होगी लोगों को। और आखिर में क्या हुआ होगा, आश्रम के लोग उनसे डांडी यात्रा के बारे में पूछे होंगे, गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। तो आखिरी में क्या होगा कि आखिरी में क्या हुआ होगा मेरे अनुसार, कि जितने भी लोग डांडी यात्रा में नहीं गए थे, नहीं जा पाए थे, उन लोगों ने बात की होगी गांधी जी से और उन्होंने पूछा होगा कि डांडी यात्रा में क्या क्या हुआ, और गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। तो इस तरीके से आगे की कहानी हुई होगी मेरे अनुसार। अब आप बताइए, अगर आप इस आगे की कहानी को लिखेंगे, जो कि आपको लिखना ही है, तो आप क्या क्या चीजें इसमें डालेंगे, कैसे बनेगी आपकी कहानी, तो मुझे जरूर बताइएगा अपनी कहानी। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।